लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि दो टाइप की थी, SN1 और SN2। अभी अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल करते हैं उनके। सबसे पहले अपन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड है। जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ में करवाते हो, एल्कोहलिक KCN के सॉल्यूशन के साथ में करवाते हो, तो यहाँ से आपको मिलता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। अगर आप R की जगह CH3X लेते हैं और KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को मिलता है मेथिल साइनाइड, CH3C(NN), ठीक है। देखिए CH3C(NN), जब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब आप इसका करवाएंगे 2 मोल ऑफ H2O के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो आपको यहाँ पे CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और जब आप इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस 1 मोल ऑफ H2O के साथ में, ठीक है, 10+ HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको प्राप्त होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस आपको प्राप्त होगा क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर अपन नाम देते हैं स्टीफन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है स्टीफन रिएक्शन क्या है, स्टीफन रिएक्शन बताइए। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपने पास वो है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखिए जैसे अपन ने पीछे किया था, सिंपली ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो AgCN के साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो आपके पास यहाँ पे R(NCC) आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। क्यों? क्योंकि AgCN किसका काम करता है यहाँ पे, एम्बिडेंट लिगेंड का, एम्बिडेंट लिगेंड का, ठीक है। देखिए एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, कि वो लिगेंड जिनके पास क्या हो, एक ही लिगेंड ऐसा हो जिसके पास क्या हो, डोनर एटम क्या हो, दो हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है उसके अंदर नाइट्रोजन भी किसका काम कर रहा है, डोनर एटम का, और कार्बन भी किसका काम कर रहा है, डोनर एटम, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, डोनर एटम का। ऐसे लिगेंड को अपन क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड किसे कहते हैं, कि वो स्पीसीज जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो उसे डोनेट करने की क्या रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहां से बना लेंगे CH3X+AgCN, जब रिएक्ट करेगा तो अपने पास बनेगा CH3NC और AgX निकल जाएगा अपना बाहर, ठीक है। अब देखिए जब CH3N(NCC), जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो 2 वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, या फिर
तो आपको यहाँ से क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, 1 डिग्री एमीन, और साइड प्रोडक्ट निकलता है अपना फॉर्मिक एसिड। देखिए जब आपने केसियन की रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पे जो केसियन होता है उसका नेचर कैसा होता है, जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है, ठीक है। तो आयनिक होने के कारण वो क्या होता है, उसके अंदर कार्बन वहाँ पे अटैक करता है, इसलिए वहाँ पे क्या बनता है, साइनाइड बनता है। लेकिन जब आपने एजीसीएन की रिएक्शन करवाई तो ये कैसा होता है नेचर में, कोवेलेंट होता है नेचर में। कोवेलेंट होने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डायरेक्ट डाके वहाँ पे अटैक करते हैं, इसलिए अपने पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक का। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन देखिए क्या होता है, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो बेंजीन के साथ में, तो आपको क्या होता है, एल्काइलेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने बेंजीन लिया और आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जब आप इसने इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ से, तो इसके साथ में आपको क्या हुआ, एल्काइलेशन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, और HCl निकल गया बाहर। एक एग्जांपल और देखें, ये बेंजीन लिया आपने, ठीक है, सॉरी यहाँ प्रेजेंस लेंगे आप AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की। देखिए AlCl3 हुआ, FeCl3 हुआ, ये सब किसका काम करते हैं, हैलोजन कैरियर का काम करते हैं, मतलब ये यहाँ से रिएक्शन से क्या करेंगे, हैलोजन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में अपन देखेंगे कि कैसे ये हैलोजन कैरियर का काम करते हैं। अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो सिंपली यहाँ से भी क्या होगा, आपको एल्काइलेशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। नोट कीजिए यहाँ तक का, इसके बाद अपन करते हैं इसकी मैकेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं अपन उसके बाद इसकी, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ठीक है, ये अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो AlCl3 के साथ में, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो मैंने पहले ही बताया था ये सब क्या करते हैं, हैलोजन कैरियर का काम करते हैं, ये यहाँ से हैलोजन को लेके बाहर निकलेंगे। ठीक है, और अपने पास क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, प्लस AlCl3 यहाँ से, सॉरी AlCl4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है ये रिएक्ट करेगा किस साथ में, बेंजीन के साथ में। ठीक है, जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन रिएक्ट करता है किस साथ में, बेंजीन के साथ में। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अपने पास एरिनियम आयन प्राप्त होता है, अपने को एरिनियम आयन प्राप्त होगा। ठीक है, ये एरिनियम आयन अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे इसकी क्या आ जाएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगी, जैसे ठीक है,
जब ये एरिनियमा अपने को सेटिस्फाई कर लेता है तो यहाँ से H प्लस क्या होगा, एक स्टेप हो रहेगी यहाँ पे रेजोनेंस की, उसके बाद यहाँ से H क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा। जब ये यहाँ पे रिएक्ट करता है एक्सेप में AlCl4 के साथ में, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास एल्काइलेशन प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, जो क्या होगा वेल स्टेबल होगा CH3 की होल्थराइज, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया अपने पास AlCl3 प्लस, और क्या निकलेगा अपने पास HCl, ठीक है। AlCl4 में से H और HCl बाहर निकल गया, AlCl3 दोबारा अपने पास यूं का यूं बच गया और अपने पास क्या हो गया एल्काइलेशन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक मैकेनिज्म, काफ़ी बार पूछी जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास बचता है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, व्हेन टू एटम एलिमिनेट फ्रॉम ए मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और आप चले तो एल्कीन टेक प्लेस कि जब क्या होता है किसी एक मॉलिक्यूल से दो एटम का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो बनने वाले जो अपने पास जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या फिर वहां पे क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या कहोगे एलिमिनेशन रिएक्शन कहोगे। इनका दूसरा नाम भी है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है वो कहां से एलिमिनेट होता है, बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए एग्जांपल से, ठीक है, ये कोई एल्किल हैलाइड है, जब आप इनको एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन में हीट करते हो तो यहाँ से क्या होगा HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से दो एटम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने को यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ पे जो इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल जो पूछा जाता है यहाँ से उसके बारे में आपको बताएंगे, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जो यहाँ अपन एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं, जो यहाँ का सबसे इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है 2-bromobutane, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि 2-bromobutane में आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को समझाइए, तो देखिए ठीक है 2-bromobutane है।
अगर आप अब इसमें बीटा एलिवेशन को समझाना चाहें तो आप क्या दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है, आप दो टाइप से सेशन कंप्लीट कर सकते हो कि यहाँ से आपको देखें अगर ये इसकी अल्फा पोजीशन है तो ये इधर भी इसकी बीटा और इधर भी इसकी कौन सी पोजीशन है, बीटा। अब आपके पास बीटा पोजीशन कितनी है, दो हैं, तो अगर आपको यहाँ पे एलिवेशन डिस्टेंस शो करना है तो आपको उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा सेट जेप्स रूल, ठीक है। देखो तो सेट जेप्स ने क्या कहा था कि जो अगर आपके पास बीटा पोजीशन दो हो तो वो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे क्या हो वो एल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट में प्राप्त होगी, जिसपे क्या हो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो ज़्यादा हो वो एल्कीन आपकी क्या होगी मेजर प्रोडक्ट में प्राप्त होगी आपको अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एल्कीन विच हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करते हो, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ब्रोमीन, तो आपके पास एल्कीन प्राप्त होती है ये वाली, ठीक है। और अगर आप यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट होगा ये, अब आप देखिए दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सी एल्कीन है, ये वाली, ठीक है। तो अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये होगा अपना मेजर प्रोडक्ट और ये होगा अपना माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। काफ़ी बार पूछता है इस एग्जांपल को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अपने यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन हो चुकी हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होगी अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड अपन बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, देखिए रिएक्शन विद मेटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है अपने पास आती है वो आती है वुड्स रिएक्शन। काफी बार एग्जाम में पूछता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, मेटलिक सोडियम के साथ में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या होता है एल्केन अपने को प्राप्त होता है। जो एल्केन अपने पास प्राप्त होता है वो क्या होता है एल्किल हैलाइड का क्या होता है दुगना प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जब दो मोल एल्किल हैलाइड के, दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के रिएक्ट करते हैं एक साथ में मेटालिक सोडियम के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास यहां से क्या होता है अपने को एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। तो अपने पास यहां पे अपने को क्या मिल गया, एल्केन मिल गया, ठीक है, और NaX के दो मोल बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो अपने को यहां पे क्या होता है RMgX ग्रिन्यार रिएजेंट प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे अपने चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। तो ग्रिन्यार रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रकार से ग्रिन्यार रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट वन जो अपनी केमिकल रिएक्शन बची है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन।
देखिए कि जब एल्किल हैलाइड जो रिडक्ट जब एल्किल हैलाइड का आप क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपने एल्किल हैलाइड ले लिया और जब आपने दो हाइड्रोजन के साथ इसका क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, तो आपको यहाँ सिंपली क्या हो गया, एच एच निकल गया बाहर और आपको क्या मिल गया, आर एच एल्केन आपको प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल से देखिए, सी एस थ्री सी एल ले लीजिए प्लस दो हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ से क्या हो गया, सी एच फोर प्राप्त हो गया और एच सी एल निकल गया बाहर। मतलब एल्किल हैलाइड रिड्यूस होके अपने वो क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में यूज ले सकते हैं जिंक एच सी एल, सोडियम, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये आप रिडक्शन रिएजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कल अपन बात करेंगे इसके आगे की।